डिलीवरी के बाद आज उपचार के दौरान महिला ने तोड़ा दम। परिजनों का अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप। थाना उत्तर क्षेत्र जीवनदारा हॉस्पिटल का है मामला। थाना उत्तर पुलिस पहुंची, मौके पर दोनों पक्षों से हो रही बातचीत। फिरोजाबाद थाना उत्तर क्षेत्र जीवनदारा हॉस्पिटल में थाना फरिहा क्षेत्र गांव दुगुना से संजय कुमार की पत्नी अर्चना की डिलीवरी को लेकर परसों भर्ती कराया गया था। परिजनों में सत्य प्रकाश के अनुसार डिलीवरी केस था। एक दिन पहले अल्ट्रासाउंड किया, बताया धड़क नहीं कम है तो आए ऑपरेशन किया। बच्ची पैदा हुई एकदम स्वस्थ, उसके बाद इलाज में लापरवाही करते रहे। सुबह नशा का इंजेक्शन दिया, विवाहिता खाने को मांगती रही, कुछ नहीं देने को कहा। एक सप्पायर हो गई तो आगरा के लिए रेफर किया सुबह 3-4 बजे। परिजनों के हंगामे के बीच थाना उत्तर पुलिस भी पहुंच गई। फिलहाल परिजनों और अस्पताल स्टाफ दोनों पक्षों से थाना पुलिस मामले की जानकारी कर रही थी। मामला क्या हुआ है? मामला ये था, डिलीवरी केस था। एक दिन पहले अल्ट्रासाउंड किया है और दूसरे दिन ऑपरेशन करके बच्चा पैदा हो गया है। पहले बताई उसमें कि धड़कने कम है, धड़कने कम की वजह से ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में बच्ची पैदा हुई है, बच्ची बिल्कुल साफ सुथरी अच्छी पैदा हुई है। और उसके बाद में ट्रीटमेंट किया है लेकिन लापरवाही से करते रहे। सुबह को इंजेक्शन दिया है नशा का, जब ज़्यादा परेशान हुई है वो लड़की खाने को मांगती रही है लेकिन कुछ नहीं उसने को कुछ किया है। और उस सुबह जब एक्सपायर हो गई है तब रेफर कर दिया है आगरा के लिए। कौन सा हॉस्पिटल? ये जीवनधारा, जीवनधारा में, जीवनधारा में 4 बजे रेफर किया है आगरा के लिए। नाम है आपका? हमारा नाम बीरम सिंह राठौर है। सकीट रहने वाले। बेटी की मौत हुई है, कैसे हुई है? जहर लगा के इंजेक्शन से डॉक्टर ने की है। कौन सा हॉस्पिटल में भर्ती कराया? जीवनधारा हॉस्पिटल। जीवनधारा कब भर्ती कराया था? परसों। क्या परेशानी थी बेटी को? डिलीवरी होने पर। आज क्या हुआ है? आज सुबह सुबह 3 बजे रात के अल्ट्रासाउंड सही नहीं किया और 3 बजे रेफर किया है रात को। और क्या हुआ है? परसों यहाँ पर लाके एडमिट किया, अगर तो एक दिन पहले वहाँ से लेके आए तब यहाँ पर चेकअप हुआ, किया बच्चे के धड़कन नहीं है और क्या ऑपरेशन होगा कि ये कमी है वो कमी है। और उसके बाद जब हम आप यहाँ पर लाके मेरे बहन भाई बड़बड़ा गए तो दूसरे दिन लेके आए, जब लेके आए तब यहाँ पर ऑपरेशन किया 9 बजे के समथिंग। ऑपरेशन करने के बाद जब कुछ बात हुई और फिर जब वहाँ पर ऑपरेशन करने के बाद जब दूसरे दिन, उस दिन तो इंजेक्शनों के बल पर जो कुछ हुआ सो करते रहिए। और के बाद जब दूसरे दिन हुआ, जब मैंने उनसे कहा, जब दिक्कत जैसी जैसी महसूस होती गई, मैंने डॉक्टर काउंटर पे आके कहा तो डॉक्टर ने इंजेक्शन छोटे छोटे जो काम करना है उनको ला करके इंजेक्शन डलवाया। और जब रीढ़ में दर्द हुआ, मैंने काउंटर पे आके कहा कि उसके दर्द हो रहा है रीढ़ में, तो जाके एक इंजेक्शन लगा दिया। डॉक्टर ढंग से देखभाल ही नहीं करते, जाते कभी देखते कभी नहीं देखते।
और जब रीढ़ में दर्द हुआ तो फिर मैंने इंजेक्शन डलने के बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर इंजेक्ट मैंने पूछा अपनी बहन से जाके, तो कहा उसने कहा मेरे जान से आ रहा है, मेरे आँखों में धुंधलापन से आ रहा है, फिर भी मैंने काउंटर पर कहा, तो कहा कि उसके के पहला केस कहीं होता ही नहीं हो पाता है और के जेलने वाले के ऊपर है। फिर हम रात के 11-12 बजे तक वो कहती रही मुझे भूख लग रही है, तो इन्होंने कहा कि कंपाउंडर ने कहा कि उनके क्या अभी जब तक हवा पास नहीं होगी तब तक कुछ नहीं खिलाया पिलाया जाएगा, फिर भी हम कुछ नहीं गए उसको शांत रख के, और जब उसके शांत होने के बावजूद जब रात के 12 बजे तक मैं इंतजार करता जब केस बिगड़ता जा रहा है तो तब भी इन्होंने कोई भी वो नहीं की, रेफर रात के 2:30 बजे से रेफर कर रहे हैं। ऐसे कौन सा हॉस्पिटल होगा जिसमें रात लिया जाएगा, और उसके पूरी देह नीली पड़ रही है जिससे पूरी रिजेक्शन पूरा साबित हो रहा है, पूरी लापरवाही से मौत हुई है, डॉक्टर ढंग से देखते तक नहीं है, जीवनधारा हॉस्पिटल।